आंध्र प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन। केपू समुदाय के लोगों ने ट्रेन की 8 बोगियां फूंकी। पुलिस स्टेशन में लगाई आग, 15 पुलिस वाले घायल। दिल्ली में कूड़े पर सफाई की सियासत। सड़कों से कूड़ा हटाने में जुटे केजरीवाल के मंत्री और विधायक। वेतन की मांग को लेकर 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे एमसीडी कर्मचारी। गलत इंजेक्शन लगने से 7 मरीजों की छीनी आंखों की रोशनी। वाराणसी के बीएचयू से केसर सुंदरलाल अस्पताल में इलाज के लिए आए थे मरीज। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर आज खुल सकता है सस्पेंस। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पार्टी की विधायक दल की बैठक। सीरिया में धार्मिक स्थल के पास कई बम विस्फोट, 60 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर बदला 140 साल का इतिहास। टी20 में नंबर 1 बनी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि जी। हाँ, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज का दिन भी बेहद ही खास है। देखिए, आज है 1 फरवरी जी। और वार है आज सोमवार। सोमवार यानी कि महादेव का दिन, और यानी कि फरवरी का जो महीना शुरू हुआ है वो महादेव की कृपा से शुरू हुआ है। और आप चाहते हैं कि महादेव जो है आप पर अपना आशीर्वाद बनाए, और खास तौर पर अद्भुत जो ये संयोग बना हुआ है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज से जो हमारी एक सीरीज शुरू हमने की है वो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफी उम्र हो रही है, या रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या फिर बात बनती है और बात बिगड़ जाती है लेकिन शादी तक बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन हमने आपसे पहले भी कहा था कि आज जिन जिन जो चाहते हैं कि जिनकी शादी इस साल यानी कि 2016 में शादी हो जाए तो वो आज के दिन व्रत जरूर रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने व्रत किया होगा। बाकी की जानकारी आचार्य जी आप दें। बिल्कुल कंचन जी, फरवरी माह का पहला दिन और वार सोमवार। इस सोमवार को आज आपको व्रत करना है, ये हमने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी, लेकिन क्या विधि रहेगी और कैसे पहर की पूजा रहेगी, बहुत सटीक जानकारी और शोध के द्वारा आज हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की असीम कृपा अब आपके बालकों पर होने वाली है। आप उपाय नोट करिएगा, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल atm@liveindia.tv पर। और आज का जो किचन पिटारा है हम बहुत खास लेकर आए हैं। आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। जब प्रवेश नहीं होगा नकारात्मक ऊर्जा का तो कहां से आपके घर के अंदर कलह कलेश और वैमनस्यता उत्पन्न होगी। तो बहुत सटीक जानकारी के साथ है आज का किचन पिटारा।
जी हाँ, तो आज जो है वो पहला चरण है जो हमारी एक सीरीज हमने शुरू की है। हम चाहते हैं कि वो सभी कुंवारे जो चाह रहे हैं कि इस साल उनकी शादी हो जाए, तो आज के दिन आपने व्रत किया हुआ है, लेकिन पूरे दिन किस तरह से आपको पालन करना है, विधि विधान क्या होना चाहिए, सावधानियां क्या है, बारीक से बारीक जानकारियां आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है, किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए, अपने घर से जब भी आप जाएं तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। मित्रों, आज का रक्षा कवच आप नोट करिएगा, सोमवार का दिन है, भगवान शिव का वार है। चुटकी भर चावल लीजिएगा, अपने सर से आपको उसे उतारकर दक्षिण दिशा की ओर आपको फेंक देना है। मात्र इतना सा करिएगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहने वाले हैं। लेकिन मंगलवार के दिन आप कैसे सुरक्षित रहेंगे ये भी जान लीजिएगा। एक पान के पत्ते पर हल्दी के द्वारा आपको ओम लिखना है और इसे अपने पर्स में रखिएगा, फिर घर से निकलिएगा, आप बिल्कुल हनुमान जी की भी कृपा से सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और ऐसे में टेंशन भी है, और साथ ही साथ आप चाह रहे हैं कि इस बार जो है आप एग्जाम में अव्वल आएं, तो बिल्कुल ये सपना आपका साकार हो सकता है, क्योंकि हर दिन हम आपको देते हैं सक्सेस की, लेकिन इसमें एक जो है टर्म कंडीशन ये होती है कि आपको पढ़ना फिर भी पड़ेगा ही। तो अब नो टेंशन, ओनली अटेंशन, और नोट कीजिए सक्सेस की। मित्रों, आज सोमवार का दिन है और हम आपको बता दें कि भगवान शिव का दिन है आज, लेकिन आप कैसे सक्सेस रहें, आप उस सक्सेस की को नोट करिएगा। अपने गुरुदेव का ध्यान कर इलायची और मिश्री का थोड़ा सा आप सेवन करिएगा। माता पिता हल्दी और दही का तिलक करके ही बच्चे को बाहर भेजें, जिस भी वो साक्षात्कार के लिए घर से निकल रहे हैं, और किसी धार्मिक पुस्तक का दान मंदिर में करें, तथा बच्चों को पेन और कॉपी, थोड़ा सा लेखन सामग्री का भी दान अवश्य कर दीजिएगा। लेकिन यदि आपको मंगलवार के दिन किसी साक्षात्कार के लिए जाना है, वो भी आप नोट करिए, उस उपाय का भी आप हमें फीडबैक दीजिएगा। एक सफेद चौरस कागज पर आपको केसर से एम लिखना है, मां सरस्वती का मंत्र 27 बार अपने ईस्ट का ध्यान करना है, और साथ ही साथ इस कागज को आप अपने पास रख लीजिएगा। अभिभावक तांबे के पात्र से भगवान सूर्यदेव को कल के दिन जो अर्घ दे दें, और 3 प्रदक्षिणा उनके अभिभावक करेंगे वहां पर, और मीठी वस्तुओं का दान करेंगे। इतना सा उपाय करिएगा, देखिएगा आपके जो बालक है हर साक्षात्कार में सफल होंगे। जी हाँ, और एकदम से आपके भाग्य को बढ़ाने वाला आपका लकी अक्षर भी बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, रेखा जुड़ी है हाथरस से हमारे साथ, स्वागत है रेखा जी। आप रेखा जी, आपका शो में बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार जी। श्री राधे, श्री राधे। आचार्य जी, कल मेरा उसका टैट का एग्जाम है, तो यूपी टैट का। अच्छा, तो मैम कई बार मैं देख चुकी हूँ, लेकिन 4 या 5 नंबर कम ही रह जाते हैं मेरे। हाँ, तो लेकिन सबसे पहले रेखा एक काम कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने आप। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं बता रही हूँ। अच्छा, मतलब सही तो नहीं मालूम है जी, प्रश्न अनुसार हम आपको बताते हैं। आपको बताते हैं, इस समय जो आपने प्रश्न किया है कुंभ लगन में किया है, लगन के अंदर केतु और गुरु राहु की युति आपके सप्तम भाव में, यहाँ पर चंद्रमा भी मंगल के साथ है, लेकिन आपको बताएं कि आप तुला राशि का चंद्रमा है। आपको करना क्या है, एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर गंगा जल डालना है, 3 तुलसी के पत्ते उसके अंदर डालने हैं आपको, और पूरी रात भर के लिए आप इसको अपने घर के मंदिर में रखिएगा, और सुबह उठने के पश्चात आप इन पत्तों का भी सेवन करिएगा, और गंगा जल की कम से कम 11 छींट अपने मस्तक पर दीजिएगा। इस तरह का आप उपाय करिएगा, जब भी आप किसी साक्षात्कार के लिए जाएं तो इससे आप सफल भी होंगे, और हमारी जो सक्सेस की है उसको तो आप बिल्कुल अपनाइएगा। जी हाँ, आज 1 फरवरी है और सोमवार का दिन है, और हमने आपको बताया है कि जो हमारी ये सीरीज है इसका मकसद यही है कि सभी कुंवारे जो है इस साल शादी के बंधन में बंध जाएं, और आज जो है पहला चरण है, पहली सीढ़ी है विवाह की तरफ आगे बढ़ाने की। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं दिन के 3 पहर, जिनमें से पहला पहर जो है यानी कि अभी सुबह आप क्या कुछ खास करें। प्रथम सोमवार है आज, तो क्या पूजा विधि आपको अपनानी है सुबह, आइए आपको पहले ये बताते हैं। शिवाय ओम
नमः शिवाय, भगवान शिव का वार सोमवार। तो कैसे पूजन विधि करनी है, कौन सा वो समय रहेगा, ये हम आपको बता देते हैं। और कैसे भगवान शिव की असीम कृपा माँ पार्वती के साथ आपके बालकों पर आज बरसने वाली है, इन उपायों के द्वारा आप जान लीजिएगा। प्रथम पहर की जो पूजा रहेगी उसका आप समय नोट करिएगा। सबसे पहले आज सुबह 10:52 से और 11:22 तक का यह समय रहेगा जब आपको पूजा करनी है। इस समय मेष लग्न होगा और मेष नवांश होगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बृहस्पति की लग्न होगी नवम पर भी शुभ दृष्टि यहां पर होगी। महादशानाथ राहु भी उस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ ही होगा, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। लेकिन पूजा कैसे आप करेंगे ये आप जान लीजिएगा, ये तो रही ज्योतिषीय आपको जानकारी देने के लिए। एक थाली में आपको 3 बेलपत्ता लेना है और साथ ही साथ आपको बताएं हल्दी से उस पर अपना नाम लिखना है। बेलपत्ते यहां पर 3 ही लीजिएगा और उस पर अपना नाम लिख लीजिएगा हल्दी के द्वारा। अनामिका उंगली से पत्ते को आप जो है अपने हाथ की अनामिका उंगली के द्वारा दबा लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का एक सांस में जितना हो सके आप पूरा सांस भर के आप जाप करिएगा और पत्ते को सर से 3 बार उल्टा वार के तुलसी के नीचे आप रख दीजिएगा। ये पहला पहर का जो उपाय है ये आप नोट कर लिया होगा। ऐसे ही हम और 2 पहर का आपको उपाय बताने वाले हैं बहुत सटीक खास जानकारी के साथ। जी हाँ, तो कागज कलम अपने पास ही रखिए क्योंकि ये सभी जानकारियां आपको अच्छे से नोट करनी है और दिन भर इनका अमल भी आपको करना है। और अब हम बात करेंगे पूर्णिया बिहार से, हमारे साथ पूजा जुड़ी हैं। स्वागत है पूजा जी आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल पूछें। पूजा जी से संपर्क नहीं हो पाया लेकिन शीला जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। पंडित जी हम शीला जी बोल रहे हैं पूर्णिया से। जी श्री राधे। शीला जी बोल रहे हैं पंडित जी पूर्णिया से। जी जी शीला जी बताएं अपने बारे में डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी हमारी बेटी का शादी के विषय में पूछ रहे हैं पंडित जी। तो शीला जी आज का शो आप सबके लिए ही है, आप सब ये जो आज उपाय आपको बताए जा रहे हैं ये दिन भर आपको अमल में लेकर आना है और उम्मीद करते हैं आपकी बिटिया रानी ने व्रत भी किया होगा आज। पंडित जी थोड़ा सा देख लीजिए ना उसका डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। जी बिल्कुल बताइए। 24/6/89 को पूर्णिया में जन्म हुआ है। जी जी जन्म समय बताएं। शनिवार दिन है, पंचमी तिथि। जी आषाढ़ का। अरे देखिए देखिए कंचन जी यहाँ पर हम लोगों से कहेंगे कि सटीक जानकारी वो बिल्कुल नहीं देते हैं और, लेकिन उन्होंने अपने प्रश्न तो इतने कर दिए। अब समय तो है नहीं, अब कैसे बताएंगे आप। बिल्कुल हम प्रश्नानुसार उनकी सुपुत्री का जो है देखते हैं कि कैसे क्या इस समय संयोग बना हुआ है। हाँ लगता है मेरी आवाज भी इन तक नहीं पहुंची, जैसे मैं इनसे जानना चाह रही थी कि अगर इन्होंने आज अपनी बिटिया रानी से व्रत रखवाया होगा। टीवी तो आप देख ही रही हैं शीला जी, तो अभी जो है एक तो आपको आपके बिटिया की चंद्र कुंडली के आधार पर जवाब मिल ही रहा है, लेकिन आज के दिन अपनी बिटिया से व्रत भी करवाइए और जो उपाय आज बताए जा रहे हैं पहले दूसरे और तीसरे चरण पहर को लेकर के वो भी आप जरूर कीजिएगा, बताएं आप। जी इनको उपाय बता देते हैं। इनकी सुपुत्री के लिए इस समय जन्मांक ऐसा बना हुआ है कि गुरु राहु का योग जो है सप्तम भाव के अंदर, थोड़ी सी पीड़ा होगी लेकिन काम भगवान शिव की असीम कृपा से जरूर होने वाला है। एक पीला वस्त्र लीजिएगा या पीला एक रुमाल ले लीजिएगा, उसमें 7 हल्दी की गांठ रखिएगा और हो सके तो उसके अंदर 700 ग्राम चने की दाल रखिएगा, इसमें 7 चुटकी हल्दी भी रख दीजिएगा और इसको अपनी बिटिया के हाथ से किसी मंदिर में, किसी विष्णु मंदिर में रखवा दीजिएगा, लाभ भी आपको दिखाई देगा और अपनी बिटिया से कहिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना आरंभ कर दे। जी हाँ, और अब वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का और खुशियों का खजाना अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये भी महादेव आपको देंगे, लेकिन कैसे आज बताएंगे 2:30 देखिए झलक। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो।
गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? 20% लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। BCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। उभयाद्रव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित मामांग विभो, सांब सदा शिव शंभो, शंकर शरण मे तव चरणयुगम। शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बिल्कुल मनचाहे वर का वरदान हासिल होगा, क्योंकि ये जो सोमवार है ये इच्छा पूर्ति सोमवार है। महादेव की असीम कृपा बनेगी और आपको कोई 16 सोमवार के व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस महीने के यानी कि जो फरवरी का महीना है 29 दिन आए हैं इस बार, और ऐसे में 5 सोमवार भी आ रहे हैं। और ये 5 सोमवार का पहला चरण है, और पहले चरण का पहला उपाय यानी कि पहला उपाय में हमने बताया था कि आज के दिन जो पहला पहर है यानी कि सुबह, आपको क्या पूजा अपनानी है, किस विधि विधान से आपको दिन की शुरुआत करनी है व्रत के दौरान, ये हम आपको बता चुके हैं। और आगे अब हम आपको बताएंगे दूसरे पहर की पूजा आपको कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हेलो। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं सबसे पहले अपना नाम। हेलो जी, आपका नाम क्या है? डूंगर भारती। मैं डूंगर भारती जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जालौर से। जी बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? डूंगर भारती जालौर से, और जन्म दिन 22 अक्टूबर। जी 22 अक्टूबर 1984। जी और समय? 22 अक्टूबर 1984। अच्छा समय बताएं अब आप। समय धनतेरस। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, फिर से बताएं। समय मैडम है सुबह का। सुबह का है लेकिन क्या समय है ये बता दीजिए। सुबह का 4 बजे। सुबह के 4 बजे। और बर्थ प्लेस? ये है बाड़मेर में, इंग्लैंड स्थान बाड़मेर। जी बताएं डूंगर जी क्या सवाल है आपका? ये मैडम ये बता रहा था कि आसरी जी, मैं जब भी कोई काम करता हूँ मेरा वो काम बिगड़ जाता है, और बार बार काम बिगड़ जाते हैं जब भी शुरुआत करते हैं। देखिए डूंगर भैया आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। आपको आने वाले शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से दुर्गा सप्तशती का पूर्व दिशा की मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके बैठिएगा, लाल आसन पर बैठिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दीजिएगा। देसी घी का एक प्रज्वलित कर लीजिएगा दीप, हो सके तो उसको एक थाली के अंदर आप रखिएगा, उसके अंदर श्रीम लिख दीजिएगा केसर के द्वारा, और उसके ऊपर दीपक रख के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप कुछ जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देना है। लेकिन इसके निमित्त आपको छोटी कन्याओं को थोड़ा सा भोजन भी बांटना होगा इस पाठ के पश्चात। इस तरह का आप क्रम दोहराते जाइएगा 7 शुक्रवार तक। ये करने से आपका हर कार्य निश्चित तौर पे माता रानी की कृपा से जरूर होगा, लेकिन कन्याओं को हो सके तो मीठा भोजन भी बांटिएगा और लेखन सामग्री का दान अवश्य करिएगा। जी हाँ, तो एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और फिलहाल अपने विषय पर आएंगे हम,
जैसे कि हमने आपको बताया कि आज पहला सोमवार, पहला चरण और सीरीज की हमारी पहली शुरुआत भी है और पहले पहर में क्या उपाय आपको करने हैं, पूजा कैसे करनी है ये हम आपको बता चुके हैं और सुयोग्य वर की प्राप्ति बिल्कुल होगी अविवाहित कन्याओं को। लेकिन इसके लिए उपाय दूसरे पहर में आपको क्या करने हैं, क्योंकि ये सुनहरा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, ये मौका अभी है आपके पास और इसको आप जरूर अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। आचार्य जी, अगर हम जानना चाहें कि आज जो है दूसरे पहर की, जो दूसरा पहर है उसमें आप पूजा कैसे करें, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, पहले पहर की हमने आपको पूजन का समय बता दिया और उपाय बता दिया, लेकिन दूसरे पहर की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या समय वो रहने वाला है, ये आप जान लीजिएगा शाम 6:11 से और शाम 6:36 तक का ये जो समय रहेगा इसको आप नोट करिएगा। कर्क लगन होगा और मकर उस समय नवांश होगा, गुरु की दशा होगी, सप्तमेश की सप्तम पर ही दृष्टि होगी जो बहुत ही प्रबल संयोग बना देती है आपकी सुपुत्री के विवाह के लिए। इस समय पूजा का उपाय क्या रहेगा वो भी जान लीजिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा मिश्री डालिएगा, 3 बूंद उसमें शहद डाल दीजिएगा, अनामिका उंगली से 3 बार, ये आपकी अनामिका उंगली होती है, इससे 3 बार उसे चलाइएगा। बाई नासिका से आपको सांस रोककर ओम नमः शिवाय जपते हुए इसको खा लेना है। पानी 45 मिनट तक आप बिल्कुल भी ना पीजिएगा, इस उपाय को अपनाइएगा। तीसरे पहर का क्या उपाय है जल्दी ही आपको बताएंगे। बिल्कुल, और अब हम बात करेंगे मेल पर भी, आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी आप नोट कीजिए, kal@liveindia.tv, ये मेल आईडी है हमारे सुबह के शो की। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है नीतू सिंह और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 December 92, समय 8:15 to 8:30 के बीच रात्रि, और सिकंदराबाद बुलंदशहर यूपी बर्थ प्लेस है इनका। इनका सवाल है कि पिछले 5 साल से ये काफी बीमार हैं और सर्जरी हो चुकी है इनकी, अभी फिलहाल ये आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रही हैं, क्या ये मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी या सर्जरी के योग आगे भी हैं, और नौकरी इनको सरकारी मिलेगी, किस फील्ड में मिल सकती है, टीचिंग या बैंकिंग में, और इनकी राशि भी बताएं। जी देखिए, सबसे पहले इनको बता दें कि अपने मन से सबसे पहले ये नकारात्मक विचार बिल्कुल ये निकाल दें कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, ऐसा विचार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अपना वजन कराइएगा और वजन के बराबर 7 तरह का अनाज, हो सके तो मछलियों को डालिएगा, और अपने घर के अंदर जब भी आप पोछा लगा रही हैं या लगवा रही हैं किसी के द्वारा, किसी मेड के द्वारा, तो उसके अंदर हो सके तो नमक डालिएगा। शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन से आप इस कार्य को करना आरंभ करिए। लेकिन आपको और बता दें कि कम से कम 5:15 to 7:15 रत्ती तक का एक आप माणिक रत्न धारण कर लीजिएगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ अद्भुत संयोग है क्योंकि सोमवार है और महादेव की कृपा के साथ इस सोमवार की शुरुआत हुई है, तो कौन है भाग्यशाली कुंडली के विजेता आज के दिन में ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करते हैं और आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। मित्रों, आज सोमवार के दिन का आप राहु काल नोट कर लीजिएगा, 7:30 से और 9 तक का ये समय रहेगा, इस बीच किसी भी शुभ कार्य से आप बचिएगा। मंगलवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं, 3 से और 4:30 तक का ये समय रहने वाला है, लेकिन इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य ना करिएगा अन्यथा आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, और आइए अब जानते हैं बहुत ही अच्छे और शुभ समय के बारे में यानी कि गुलिक काल के बारे में। आज सोमवार के दिन 1:30 से और 3 तक का जो समय रहेगा दोपहर का, वो गुलिक काल का रहने वाला है, इसलिए जो भी कार्य आप करेंगे बिल्कुल सक्सेस होंगे। मंगलवार के दिन का आपको समय बता देते हैं, 12 से और 1:30 दोपहर तक का ये जो समय रहने वाला है बिल्कुल शुभ रहने वाला है, कोई भी कार्य करेंगे सफल होंगे। जी हाँ, गुलिक काल जानते के साथ ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, कम से कम ये 1.5 घंटा ऐसा है जिसमें हमारे काम बनने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। और अनीता जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। श्री राधे। मैम अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म की तारीख बताएं। जी हाँ, 2/4/73, समय है 11:45 सुबह जी, और HP हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी। जन्म का समय बताएं, सुबह का है शाम का है? ये सुबह का है, 11:45 के बीच में। जी, बर्थ प्लेस मंडी हिमाचल। जी, क्या सवाल है आपका अनीता जी?
मैम मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ, जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। हम यहाँ अहमदाबाद में हैं, हम चेंज चाहते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो क्या अभी ठीक रहेगा चेंज या होगा अभी? और थोड़ा सा इनकी हेल्थ के बारे में भी बताइए। बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले आपको बता दें मिथुन लग्न का आपके हस्बैंड का जन्मांक, लग्न में केतु, सप्तम में राहु, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति इनके दशम भाव में। देखिए केतु की महादशा और शनि की अंतरदशा 18 मई 2016 के बाद ही ये होना संभव हो पाएगा, लेकिन तब तक आपको भरसक प्रयास करते रहना है नॉर्थ इंडिया की तरफ आने के लिए। और इनकी जो हेल्थ सही रहे इसके लिए आपको 5.25 से 7.25 रति तक का एक पन्ना इनको धारण कराना है, कनिष्ठ का उंगली के अंदर बुध के मंत्रों द्वारा जाप कराइएगा और हो सके तो इनसे कहिएगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ कर दें। जी हाँ, और वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दोपहर के शो की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। दोपहर 2 बजे ना होकर के अब जो दोपहर का शो है 2:30 बजे आता है, और आप सबका बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है क्योंकि आप सबकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, क्योंकि आप सब चाहते थे कि हमारा शो जो है 2:30 बजे हो जाए। तो ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, kal2.30pm@liveindia.tv, हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी भी है। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए इसकी एक झलक, और हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब तो सरकार। लाइव इंडिया पर।
आंध्र प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, केपू समुदाय के लोगों ने ट्रेन की 8 बोगियों को फूंका, पुलिस स्टेशन में लगाई आग, 15 पुलिस वाले घायल।